आयुर्वेद अध्यापन में विषयों की विविधता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और नए नए विषय जोड़ने की वकालत भी की जा रही है। इसी कड़ी में UGC नेट में आयुर्वेद बायोलॉजी को अलग विषय बनाने की मांग की जा रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने UGC नेट GRF परीक्षा में आयुर्वेद बायोलॉजी को एक अलग विषय के रूप में शामिल करने की मांग की है। इस मांग को लेकर छात्रों ने बुधवार को UGC चेयरमैन प्रोफेसर M. जगदीश कुमार से मुलाकात की। AVP JNU के प्रतिनिधि मंडल ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल ही में शुरू किए गए BSc MSc आयुर्वेद बायोलॉजी पाठ्यक्रम से संबंधित मुद्दे को लेकर UGC अध्यक्ष से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि 2020 में JNU में BSc आयुर्वेद बायोलॉजी पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम देश की समग्र स्वास्थ्य विषयक आवश्यकताओं को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता हैं। UGC अध्यक्ष ने AVP JNU प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि वह इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। छात्रों का कहना है कि वह उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा और उन्हें देश भर में विभिन्न PhD कार्यक्रमों में प्रवेश को लेकर शोध करने के लिए योग्य बनाएगा।